सत श्री अकाल के दाजी, मैं नेम इज गुरजीत सिंह, आई एम बैक विद न्यू गाइस। सो नए दिन के साथ नई शुरुआत हो चुकी है। तो हमारे उल्हासनगर में पहली बार DPSPL नजर है, मतलब कि दशमेश पिता सिख प्रीमियर लीग, मतलब क्रिकेट मैच होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 3 बजे स्टार्ट होने वाला था, 3 बजे के बाद चौपाई सबका पार्ट, उसके बाद मैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी निकलते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर कितनी मैचेस होने वाली है और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला। पूरा ये ब्लॉग में हम कवर करेंगे, हम कब तक बैठेंगे वहाँ पे। तो जहाँ पे मैं स्कूल पढ़ता था बालकन जी पारी, वहाँ पे ये मैच हो रहा है और जहाँ पे टफ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस ब्लॉग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो गाइस, और मुझे पता है ये ब्लॉग सब लोग देखने वाले हैं, तो सब लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि डेली ब्लॉग्स मैंने बंद कर दिए। तो जब भी ब्लॉग्स आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पहुँच चुके हैं यहाँ पे और अंदर हो रहा है मैच। ये देखो, ये जो टफ है पीछे मेरे, ये है इधर। और एक गाइस और कि मैंने अपना चैनल फाइनली चेंज कर दिया है, गुरजीत गुलवन ब्लॉग कर दिया उसको। सबसे पहले किया दशमेश पिताजी का सम्मान, उनको सजाया फूल से और चढ़ाया हार, और मिलो हमारे क्रिकेट टीम वालों से। एंड देन उसके बाद की पूजा स्टंप और बैट की, और नारियल भी फोड़ा। फिर किया अरदास सब टीम वालों के साथ, जो भी अंदर क्रिकेट जितनी भी टीम थी उनके साथ की अरदास। फिर किया चौपाई सबका पार्ट, क्योंकि मैच हमारी अच्छे से जाए, और बहुत फर्स्ट टाइम हो रहा है हमारे लबाना समाज में और बहुत बड़े लेवल में हो रहा है। तो सबने बहुत मर्यादा के साथ अच्छे से, सबने ऑरेंज पगड़ी बांधी। ऑरेंज पगड़ी जो नहीं बांधता उसको पेनल्टी थी 3 रन की। फिर वही डिस्कशन स्टार्ट और रूल समझाए गए, सब कुछ हुआ। ये हम पर एम्पायर, और फिर फर्स्ट टॉस हुआ डोम की टीम का, और डोम जीता। और डोम से पूछा गया कि वो क्या करना चाहता है, तो डोम से अभी पूछा जाएगा कि वो क्या लेना चाहता है, बैटिंग की बॉलिंग। तो डोम ने चुनी बैटिंग, यानी जो पहली टीम उतरने वाली है वो है MF किंग्स। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, बहुत ही बेहतरीन खेला, बहुत ही अच्छा खेल रहे थे सब लोग वैसे ही। और मैं कभी 4 बजे आया था, 6:30 बजे के पता ही नहीं चला। तो सब लोग मैच देख रहे हैं, देखो कैसे खड़े। क्रेज क्रेज, दादा कौन जीतेगा? वो विशाल भाई जीतेगा भाई। टीम 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 अभी जो बोला वो बोलना, जय माता दी भाई। तो हेड पर खड़े ही है, धीरे धीरे आप बोले जोर ताले। काफी अच्छी गेंदबाजी, वाह वाह। अच्छा तुम लोग की मैच कभी तो अभी मार कुत रहा है। पहले वाली मैच में बहुत बारी खेली थी, टीम जीती इसकी वजह से। हैट्रिक चांस, 2 में 2 6।
एक और मैच बचे वापस एक और मैच मैचे में मैच होती नहीं है रात तीन तीन प्लेयर ऑफ द मैच बुलाए तो अरे मैच मैच में आया नहीं कभी से डायरेक्ट आते दोना खा रहा है ये डायरेक्ट अभी आते ही दोना चालू पानी की भी व्यवस्था की है भाई कहीं भाई मुझे जिम के लिए लेट हो रहा था इसके लिए मैं आ गया था जिम पे और मैंने आज अच्छे से जिम की भाई क्योंकि मंडे को बहुत भीड़ रहती है सब चेस्ट मारते हैं इसलिए मैंने मारी बैक बैक और भाई से मारूंगा मैं आज देखते हैं कितना मारते हैं आज चलो तो वहां से मैं 8:15 निकल गया था और फिर आया यहां पे जिम पे और अभी बज रहे 10 यहां पे मैं 9:45 आ गया था जिम पे तो आज बैक मारा और भाई से मारा मज़ा आ गया एकदम भाई अभी चलते हैं घर पे ये शॉर्ट तरह के जीन पहन के वापस चलते हैं मैच पे देखते हैं मैच कहां तक पहुंची है क्या है क्या नहीं है और देखते हैं आज विनर कौन बनता है तो मैं वापस आया था मैंने देखा कि हमारे चाचा जी अजीत चाचा जी क्रिकेट खेल रहे थे तो ये देख के भी बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा हमको देखने में और पीछे मनोज भाई है हमारे और हमारे मनमाड़ वाले बाबा जी उन्होंने भी क्रिकेट खेला मतलब एक दो मैच एक दो शॉट जो बोलते हैं तो वो भी बहुत प्यारे बाबा जी लग रहे थे हमारे बहुत अच्छे से खेला उन्होंने और उनको बुखार था फिर भी वो आए यहाँ पे हमेशा हमारा सम्मान करते हैं जी जो बहुत खुशी की बात है कि जितने भी बच्चे हैं जिनके जितने भी जो मैच हो रहे हैं सबके सब दस्तावेजी हैं और सिटी रूप में है सबसे पहले एक जयकारा सुना जाएगा सबने बुलंद आवाज में गाने का बोले देखो अंदर से ऐसा है गुरु महाराज का फोटो और ऐसा वाहेगुरु भाई अभी फाइनल मैच है जय माता दी वर्सेस नानक जीरा 11 भाई रात के 2:30 गए हैं अभी तक मैच चल ही रहा है तो पता नहीं अभी कौन सी टीम जीतेगी अभी इसके बाद 2 मैच है फिर फाइनल है तो अभी जा रहा हूँ मैं घर पे 2:30 गए बहुत नींद आ रही है तो जो भी जीतेगी मैं आपको सुबह बता दूंगा तो चलते हैं अभी निकलते हैं भाई सच्ची में देखो 2:30 गए 2:30 बहुत टाइम हो गया अभी तक देखो खेल रहे लोग मैं आपका आवाज़ सुनाता हूँ चलो
लोग, बहुत सारे जने अभी भी बैठे हैं और मेरे को बहुत कड़क नींद आ रही है भाई। मैं शाम से 4 बजे से स्टार्टिंग से बैठा हूँ, अभी तक चालू है, पर मज़ा बहुत आया यार, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। दिखावा जाए अभी मैच खेलना स्टार्ट करूँगा, टफ वगैरह मेरे फ्रेंड लोग जाते रहते हैं, मुझे बोलते हैं पर मैं जाता नहीं था, अभी से स्टार्ट करूँगा, खेलना चाहूँगा, मस्त मज़ा आ जाता। हेलो गाइस, तो रात को आपको पता ही है कि फाइनल मैच मैं नहीं देख पाया था, तो अभी आपको बताता हूँ कि कौन जीता। अभी हमारे साथ है गुरदीप मामा, तो ये बताएंगे कि रात को कौन जीता। भाई रात को कौन जीता? 5 नंबर की टीम है, वीर खालसा ग्रुप है, उन्होंने बहुत शुरू से मेहनत की और वो शुरू से ही एक भी मैच नहीं हारे, इसीलिए वो टॉप 1 तक पहुँचे और बहुत ही टफ हुई लास्ट में, और रनर अप भी बहुत अच्छे खेले। वो भी बहुत टफ थे भाई। हाँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, मेहनत सारे प्लेयरों ने की, और बहुत बहुत धन्यवाद सबका कि ये फर्स्ट टाइम हमारे समाज में ये चीज़ जो प्रोग्राम हुआ है क्रिकेट टूर्नामेंट का, तो बहुत मज़ा आया लोगों को, और बहुत लोगों ने आश्वासन दिया कि नेक्स्ट टाइम और बड़े लेवल पर ये होना चाहिए और ये होगा ज़रूर, क्योंकि ये इस टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत ही शांतिपूर्वक ये टूर्नामेंट हुआ है, तो बहुत ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और गणमान्य लोग जो आए थे उनको भी बहुत खुशी हुई कि बहुत ही शांतिपूर्वक ये मैच हुआ, तो बहुत मज़ा आया गाइस। तो गुरु ने बहुत सी क्लिप ली है, आपको बताएगा आगे पूरा, ये इसने भी बहुत मेहनत की कल, इसको बहुत काम थे ज़रूरी, फिर भी इसने ये क्लिप निकालने के लिए बैठा था, क्योंकि ब्लॉकिंग करना मजाक नहीं है ना, एक्चुअली वहाँ पर बैठना चाहिए, एक एक मोमेंट्स कैच करना। और मैं बाहर बैठा था, मेरे को तो बोल रहे थे अंदर बैठो, पर मैं खुद ही बाहर बैठा था, और नेट की वजह से पूरा बैनर वगैरह लगा हुआ था ना, तो अच्छे से दिख रहा भी नहीं था। तो बहुत क्लिप्स मैंने इनसे लिए और बहुत फोटो वगैरह सब इनसे लिए, तो एडिटिंग करूँगा, इनका भी बहुत थैंक यू है। मेरा एक्चुअली मैं ब्लॉग बनाने वाला था, पर मेरा बहुत छोटा बन गया ब्लॉग, और सब लोग वहाँ पे बहुत सारे जाने थे जो मेरे को बोल रहे थे ये ब्लॉग आना ही चाहिए और बनना ही चाहिए। हाँ। तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हम जो सिख लबन है उन्होंने ये टूर्नामेंट रखाया और अच्छे से हुआ, ये सबसे बड़ी बात है, और सबने बहुत अच्छा खेला। इसमें एक अच्छा मैसेज है कि इसमें कौन हारा कौन जीता ये मायने नहीं रखता, क्योंकि इस टीम में सब हम आपस में भाई भाई हैं, कौन हारा कौन जीता इससे कोई, और बहुत जो लोग हारे वो भी बहुत खुशी मना रहे कि मजा आ रहा है, कोई आपसा सारे आपस में, और बहुत ही ऑक्शन हुआ, सारे पिलर खरीदे गए बहुत ही सिस्टम से हुआ, करीबन 3 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी, इनका ऑक्शन होके प्लेयर लिया गया, बड़ी बड़ी टीम से बड़ी टीम का कोई प्लेयर छोटे टीम में चला गया और छोटी प्लेयर का टीम बड़े टीम में चला गया, बहुत मज़ा आया, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि पक्की टीम और कच्ची टीम, कोई भी किधर भी जाके खेला था, बहुत मज़ा आ रहा था। ये हम लोग का एक ही मैसेज कि आपस में रहो, भाईचारा बना के रहो और ऐसे ही खेलते रहो। मेरा भी भाई ऐसा ही था, मैं जब भी मतलब मैच देख रहा था ना, तो जब भी मतलब दोनों टीम से कभी आउट हो रहा था तो भी मैं खुश हो रहा था, किसका फोन लग रहा था तो भी मैं खुश हो रहा था, सब लोग अपने ही लोग थे, किसके लिए खुश हो किसके लिए दुखी हो पता नहीं लग रहा था भाई, ये सबके लिए खुश, ये एक प्यार मोहब्बत था, एक सिक्की का एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज था, एकता का मैसेज था, और ये इसीलिए था खास करके कि जो आजकल के हमारे बच्चे हैं जो इधर उधर नशा की ओर ना जाकर कोई ना कोई खेल क्रिकेट या जैसे गतका और फुटबॉल इस चीज़ में ध्यान दें, और ये सब चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं हमारे से ये जो संस्था है, मतलब लेडीज़ लोग का भी इन्होंने बहुत किया, मशीनें वगैरह सिखाई, हर एक आर्ट सिखाया, बच्चे लोग का भी पगड़ी सिखाते हैं, और अभी ये क्रिकेट वगैरह मतलब बहुत अच्छे लेवल पर चालू किया इन्होंने, तो थैंक यू सो मच सबको, और ये भी उनके ही मेंबर हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे? स्पेशली थैंक्स मैं बोलूँगा हमारे पूरी टीम को, दशमेश पिता युवा सिख लबाना संगठन, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और बहुत ही अच्छे से गुरु साहब का आसरा लेके, पाठ चौपाई साहब का पाठ भी आपको गुरु अपने दिखाएंगे गुरजीत, सब सिस्टम से गया है, जब तक हम लोग कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले गुरु साहब का पाठ नहीं कर लेते या वाणी का आसरा नहीं लेते तब तक हमारी कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होती, और आपने खुद ही देखो, आप व्लॉगिंग देखिए या फिर आप यूट्यूब लाइव देखिए, एकदम शांतिपूर्वक हुआ, क्यों महाराज का सहारा है, उनका आसरा लेके ही चलना चाहिए कभी भी सबको। तो सत्य जी भी आए थे हमारे, जो उल्लासनगर के जितने भी पॉलिटिक्स वाले मतलब सारे आए थे, सब ने अपना अच्छा अच्छा, बहुत ही बड़े बड़े पत्रकार भी आए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे बॉलर क्रिकेटर जो अदर हैं, जो अदर सिख समाज से हैं, वो भी आके उन्होंने भी बहुत आनंद लिया ये मैच, जो हमारे जो क्रिकेट में जो बहुत सारे टीम में ऐसे ऐसे लोग भी थे जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे टूर्नामेंट खेल के आए हैं हमारे समाज के, तो बहुत खुशी होती है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना,
और ये वीडियो ज़रूर 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 शेयर करना। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।